नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे टॉपर्स नोट्स के बीपीएससी की बिहार लोक सेवा आयोग के सामान्य हिंदी एवं निबंध लेखन की बुक का। दोस्तों हम रिव्यू करेंगे, उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, टॉपर नोट्स का बीपीएससी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल आता है। ये स्टडी मटेरियल दोस्तों जो बीपीएससी के टॉपर्स होते हैं और जो एक्सपर्ट टीचर होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पर कुल मिला के आपको जीएस पेपर 1 में 4 भाग में आपको ये नोट्स देखने को मिलेंगे और जीएस पेपर 2 के 6 नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। टोटल आपको 11 बुक ये सेट आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट है, जिसे आप ऑनलाइन इनके ऑफिशियल वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, अमेज़न से भी ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में दोनों ये बुक आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। टोटल एमआरपी मैं बता दूं 3200 रुपए में ये आपको कंप्लीट है 11 बुक दोस्तों मिल जाएंगे। और ये बहुत ही अच्छा नोट्स होता है दोस्तों, आपके एग्जाम को फोकस करके ये नोट्स तैयार किए गए हैं। और इसके अलावा आपको कुछ भी स्टडी नहीं करना है, कंप्लीट आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर हो जाएगा। आप यहां दोस्तों देख सकते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है बीपीएससी एग्जाम के लिए, ठीक है। ये टॉपर्स नोट्स का ये नोट्स है, ठीक है। इनका ऑफिशियल वेबसाइट भी टॉपर नोट्स के नाम से है। अब दोस्तों हम इस बुक को देख लेते हैं कि इस बुक में आपको क्या अलग देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों सामान्य हिंदी और निबंध लेखन का ये अलग से बुक है दोस्तों, जो कि मेंस में 100 नंबर का पूछा जाता है, जिसको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। सबसे पहले दोस्तों आपको जनरल हिंदी देखने को मिलेगा, जिसमें हिंदी के ग्रामर को कवर किया गया है। उसके बाद एसे राइटिंग मतलब निबंध लेखन के बारे में बताया गया है कि निबंध कैसे लिखना है, और यूपीएससी के एग्जाम में जो निबंध का जो पैटर्न है, किस प्रकार के निबंध पूछे गए, सारा कुछ आपको जानकारी देखने को मिलने वाला है। इस बुक में अगर हम नंबर ऑफ पेज के बारे में पहले बात करें तो 188 पेज आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। चलिए हम विषय सूची को एक बार अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ग्रामर में संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विशेषण, क्रिया कारक एवं विभक्ति, वर्तनी शुद्धे, शुद्ध वर्तनी, वाक्य शुद्धि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, वाक्य के लिए एक शब्द, निबंध लेखन संक्षिप्त और वाक्य विचार, ठीक है। उसके बाद ऐसे राइटिंग आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बताया गया है कि एक अच्छा निबंध कैसे और अवलोकन कैसे किया जाना चाहिए, निबंध क्या होता है, एक निबंध को क्या क्या नहीं होना चाहिए, एक अच्छे निबंध के बारे में बताया गया है। यूपीएससी मुख्य परीक्षा निबंध की विशिष्ट पहलू के बारे में बताया गया है। निबंध पेपर पैटर्न, यूपीएससी निबंध के पेपर में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें, निबंध लेखन का दृष्टिकोण, विषय चुनने का अधिकार, उसके बाद निबंध से क्या अपेक्षा की जाती है, निबंध के विषय का संदर्भ है, दार्शनिक निबंध कैसे लिखे, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको बताया गया है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे महिला सशक्तिकरण निबंध के टॉपिक है, भारत में शिक्षा, उसके बाद आगे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे भारत में स्वास्थ्य हो गया, उसके बाद भारत में शहरी योजना, भारत के भावी शहरों का निर्माण हो गया, वैश्वीकरण, इसके निहितार्थ और हल के रुझान, कृषि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्रिप्टो करेंसी, सोशल मीडिया और उसकी बुराई, भारत में पर्यटन, रक्षा उद्योग का स्वदेशीकरण, आयातक से निर्यातक तक, ठीक है। दोस्तों टोटल मैंने बता दिया 188 पेज आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले संज्ञा को कवर किया गया है, संज्ञा में जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, परिभाषा, उसको कवर किया गया है। संज्ञा भेद हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के प्रकार को बताया गया, भाववाचक संज्ञा, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल आपको देखने को मिलने वाले हैं और थ्योरी एग्जाम्पल, सारा कुछ आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेगा। नोट्स दोस्तों बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, जो टू द पॉइंट है, जो जानकारी आपको इस एग्जाम के लिए चाहिए उसी उतना ही कवर किया गया और बेहतरीन तरीके से कवर किया गया। प्रिंटिंग क्वालिटी और पेपर क्वालिटी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलने वाला है। और ये मैं बता दूँ कि ये एक नोट्स है, ठीक है, जो कि बीपीएससी के टॉपर्स और जो बीपीएससी के एक्सपर्ट टीचर हैं उनके द्वारा इस नोट्स को तैयार किया गया है, ठीक है। बुक दोस्तों काफ़ी अच्छे होते हैं, टॉपर्स के नोट्स काफ़ी अच्छे होते हैं दोस्तों। आप इन्हें आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और आपके पास होने चाहिए, क्योंकि इस नोट्स के माध्यम से आपको कोई भी ट्यूशन या कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। आप इसे आसानी से सिंपली आप समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाया गया है, ठीक है। सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया दोस्तों, और हर एक टॉपिक को कवर किया गया, कंप्लीट सिलेबस को एक सिस्टमैटिक तरीके से कवर किया गया, ठीक है। तो कंप्लीट ग्रामर कवर किया गया। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे
सार लेखन ने भी पैसेज को भी समझाया गया है। ठीक है, ये पैसेज है कुछ यहाँ पे, विचार वाक्य विचार हो गया, मतलब कंप्लीट ग्रामर को समझाया गया है। चलिए अब हम चलते हैं कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखे, पूरा स्टेप्स यहाँ दिया गया है कि अच्छे निबंध के लिए कौन कौन से बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, सारा कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद बीपीएससी मुख्य परीक्षा निबंध की विशिष्ट पहलू के बारे में, निबंध पेपर पैटर्न हो गया। उसके बाद बीपीएससी आपके निबंध लेखन से निम्न तत्वों की मांग करता है, मतलब सारा जानकारी कि बीपीएससी में आपको निबंध लिखते समय कौन कौन से पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए, सारा कुछ आपको जानकारी देखने को मिलेगा। पर यहाँ निबंध का पहला टॉपिक है महिला सशक्तिकरण, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा, इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिएगा तो, और यह एक्स्ट्रा जानकारी भी देखने को मिल जाएगा, इनके एप्लीकेशन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी कुछ आपको इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जानकारी आपको मिल जाएगा। प्रसिद्ध हस्तियों, अब जैसे महिला सशक्तिकरण है तो उसमें ध्यान रखना है, सबसे पहले लिखना है प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा उद्धार, उसके बाद प्रसिद्ध महिला व्यक्तित्व के बारे में बताना है, उसके बाद उनके बारे में फैक्ट बताना है, महिलाओं के सामने चुनौती के बारे में बताना है, राजनीतिक कैसा कैसा चुनौती आता है, महिला अधिकारिता के आयाम हो गए, उसके बाद राजनीतिक सशक्तिकरण हो गया, सामाजिक सशक्तिकरण हो गया, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा की गई पहल हो गया, उसके बाद भारत में शिक्षा हो गया, प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा उद्धार हो गया, भारत में शिक्षा का इतिहास हो गया, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने को मिलने वाला है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे दोस्तों देखेंगे भारत में स्वास्थ्य एवं सेवा हो गया, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा, किस तरह से लिखना है निबंध है परफेक्ट तरीके से यहाँ बताया गया है। ठीक है ना, अब दोस्तों चलते हैं, कृषि हो गया अगला टॉपिक है। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो गया, क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी, सोशल मीडिया और उसकी बुराई के बारे में निबंध है। ठीक है, और रक्षा उद्योग स्वदेशीकरण, ठीक है ना, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पे आगे, मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब आपकी एग्जाम में कौन कौन से पॉइंट को ध्यान में रखना है वो सभी कुछ को यहाँ बताया गया। चलिए पेज नंबर 132 में दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी मुख्य परीक्षा में निबंध की विशिष्ट पहलू के बारे में बताया गया कि निबंध का पैटर्न क्या होता है, सारा कुछ है। तो हम 132 पेज नंबर में चलते हैं, पेज नंबर 135 यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, पेज नंबर 132, तो यहाँ पे सारा कुछ बताया गया कि निबंध का पैटर्न क्या होना चाहिए, ये चीज़ मैंने बता दिया था। ठीक है, तो सारा कुछ है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट बुक को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, और सटीक जानकारी आपको देखने को मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड जानकारी देखने को मिलेगा। इस नोट्स को देखने के बाद आपको कोई और बुक की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत ही परफेक्ट ये नोट्स है दोस्तों, और ये आपको ऑर्डर करना चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अगर इन सभी बुक का आपको PDF में सैंपल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, या इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो मैंने नीचे लिंक दिया है वहाँ भी आप नीचे जब जाइएगा ना स्क्रॉल करके, तो वहाँ नीचे आपको PDF सैंपल मिल जाएगा पूरे के पूरे 11 बुक का, तो उन्हें आप डाउनलोड करके PDF देख सकते हैं कि किस तरह से इस बुक में टॉपिक देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है ना, वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।